गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पैराग्राफ राइटिंग पर डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ राइटिंग, सो यू नो व्हाट इज पैराग्राफ राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। आप लोग नोट डाउन करते जाइए, एग्जामिनेशन आपके एग्जाम्स बिल्कुल पास है और आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। So whatever I am explaining you, you have to note down in your copies. So today we are discussing paragraph writing. Let's see what is the definition of paragraph writing. A paragraph is a group of sentences that develops an idea. नोट डाउन करते जाइए। आज हम आपको पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं ये आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। पैराग्राफ राइटिंग 5 मार्क्स में पूछी जाती है और इसको अच्छे से समझ लेंगे तो पैराग्राफ राइटिंग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। So, what is paragraph writing? A paragraph is a group of sentences that develops an idea. A paragraph is a group of sentences that develops an idea. Paragraph एक sentences का, काफी सारे sentences का ग्रुप है जिससे कि हम कोई आईडिया पे पहुंचते हैं, किसी फैक्ट पे पहुंचते हैं। अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट डेवलप्स एन आइडिया। इन पैराग्राफ, अब पैराग्राफ्स किस चीज से मिलकर बनते हैं, कैसे पैराग्राफ होते हैं, क्या होता है पैराग्राफ। द सेंटेंसेस सपोर्ट एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ द मेन आइडिया। पैराग्राफ में क्या होता है, कई सारे सेंटेंसेस मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं जो कि किसी चीज के बारे में हमें बताते हैं, उसमें किसी टॉपिक के बारे में डिटेल होता है। तो पैराग्राफ कैसे बनता है, द सेंटेंसेस सपोर्ट एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ द मेन आइडिया। इसमें आपको स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ फॉर्मेशन के लिए आ सकते हैं, जैसे कि राइट ए पैराग्राफ ऑफ ट्री प्लांटेशन, राइट ए पैराग्राफ ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो आज हम कंप्यूटर टॉपिक ले रहे हैं, उस पर पैराग्राफ राइटिंग हम आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, नोट डाउन करते जाइए। पैराग्राफ स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ विल वी फ्रेम पैराग्राफ स्ट्रक्चर। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सो टॉपिक सेंटेंस सपोर्टिंग डिटेल कंक्लूडिंग सेंटेंस। फर्स्ट इज टॉपिक सेंटेंस सपोर्टिंग डिटेल कंक्लूडिंग सेंटेंस। पैराग्राफ स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सो फर्स्ट इज टॉपिक सेंटेंस, देन सपोर्टिंग डिटेल, आफ्टर दैट कंक्लूडिंग सेंटेंस, सेंटेंस को कंक्लूड करना। देख रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग, और पैराग्राफ राइटिंग में वी आर डिस्कसिंग ऑन पैराग्राफ स्ट्रक्चर, हाउ विल वी फ्रेम पैराग्राफ स्ट्रक्चर, हाउ विल वी मेक पैराग्राफ करेंगे। सो
टॉपिक सेंटेंस, फर्स्ट इज टॉपिक सेंटेंस, सेकंड सपोर्टिंग डिटेल, थर्ड इज कंक्लूडिंग सेंटेंस. सो फर्स्ट वाला हम देखेंगे टॉपिक सेंटेंस कि व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट टेल्स द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. बच्चों टॉपिक सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो पूरे पैराग्राफ के बारे में मेन आइडिया देता है. ठीक है, जैसे सपोज करो कि कंप्यूटर के बारे में है तो फर्स्ट लाइन में या सेंटेंस ये बताएंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में ओवरऑल उसकी डेफिनेशन एक तरह से. ठीक है, सो अ टॉपिक सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट टेल्स द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. इसमें ये समझ सकते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग में हम फर्स्ट और सेकंड लाइन, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लाइन में ज्यादातर उसकी डेफिनेशन देते हैं कि वो है क्या. एक्चुअली जिस जिस के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में हम पैराग्राफ लिख रहे हैं उसकी डेफिनेशन, उसका मेन आइडिया, ठीक है, हम टॉपिक सेंटेंस में देते हैं. द टॉपिक सेंटेंस शुड कंटेन ओनली वन मेन आइडिया, इट शुड बी स्पेसिफिक. टॉपिक सेंटेंस में केवल एक ही मेन आइडिया होना चाहिए, इट शुड बी स्पेसिफिक, क्योंकि टॉपिक सेंटेंस में हम उसकी एक तरह से डेफिनेशन दे रहे हैं तो स्पेसिफिक होना चाहिए. ठीक है, थर्ड द टॉपिक सेंटेंस इज ऑफन फाउंड एट द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ बट इट कैन बी प्लेसेस टू. टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ के बिगनिंग में, हमने पहले भी बताया भी थोड़ी देर पहले कि शुरू की फर्स्ट और सेकंड लाइन में टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए और होता है, बट इट कैन बी इन अदर प्लेसेस टू. लेकिन मेन आइडिया के बारे में बीच बीच में भी जानकारी दी जा सकती है. द टॉपिक सेंटेंस इज ऑफन फाउंड एट द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ बट इट कैन बी इन अदर प्लेसेस टू. द टॉपिक सेंटेंस इज ऑफन फाउंड एट द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ बट इट कैन बी इन अदर प्लेसेस टू. मतलब जब हम पैराग्राफ राइटिंग करेंगे, जैसे सपोज करो हम ट्री प्लांटेशन दे रहे हैं या हम कंप्यूटर के बारे में ले रहे हैं, तो फर्स्ट जो दो लाइन होती है, फर्स्ट दो लाइन में हम उसकी एक तरह से डेफिनेशन देंगे, उसका मेन आइडिया देंगे. ओके, सो उसी को हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं. सपोर्टिंग डिटेल, नाउ कम टू ऑन सेकेंड सपोर्टिंग डिटेल. आवर सेकेंड टॉपिक इज सपोर्टिंग डिटेल. और सपोर्टिंग डिटेल क्या होता है? तो सपोर्टिंग डिटेल बच्चों टॉपिक सेंटेंस से ही रिलेटेड होगा, उससे अलग से नहीं होगा. मतलब अपन ने फर्स्ट दो लाइनों में जिसके बारे में लिखा है, ठीक है, उसी के बारे में डिटेल हम आगे की लाइनों में भी देंगे, आगे के सेंटेंस में भी हम उसी के बारे में डिटेल देंगे. मतलब जो उससे सपोर्ट करता हुआ होगा वो देंगे, इसीलिए हमने इसका नाम है सपोर्टिंग डिटेल. सो लेट्स सी व्हाट इज सपोर्टिंग डिटेल. द सपोर्टिंग डिटेल इज द डिटेल ऑफ द पैराग्राफ. सपोज करो आपने ट्री प्लांटेशन लिया या ट्री लिया या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री लिया, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में हम उस ट्री के बारे में बता रहे हैं और आगे की लाइनों में जो लिखेंगे वो ट्री से रिलेटेड ही लिखेंगे. ठीक है, सो वो ही उसका सपोर्टिंग डिटेल होगा. सो द सपोर्टिंग डिटेल इज द डिटेल ऑफ द पैराग्राफ. नेक्स्ट, द सपोर्टिंग डिटेल शुड बी लॉजिक एंड टू द पॉइंट. देखो बच्चों पैराग्राफ राइटिंग
हमें बहुत ज्यादा लंबा ऐसे की तरह नहीं लिखना है, ठीक है। फोर टू फाइव लाइन्स में या फाइव टू सिक्स लाइन्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो इसीलिए पैराग्राफ डिटेल शुड बी लॉजिकल एंड टू द पॉइंट, उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें ही होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम ट्री इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, तो ट्री गिव्स अस फ्रूट, ओके, ट्री गिव्स अस फायरवुड टू बर्न, तो इस टाइप का जो इसकी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हमें सपोर्टिंग डिटेल में डालना है। द सपोर्टिंग डिटेल शुड बी लॉजिकल एंड टू द पॉइंट, मतलब सपोर्टिंग डिटेल में अपन जो भी लिखेंगे, अब चूंकि ऐसे तो है नहीं, ये पैराग्राफ राइटिंग है और पैराग्राफ राइटिंग वी हैव टू कंप्लीट इन फाइव टू सिक्स सेंटेंस, तो उसमें डेफिनेटली हमें इम्पोर्टेंट चीजें ही लिखनी है, ठीक है, और टू द पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट इज पैराग्राफ स्ट्रक्चर, नेक्स्ट इज पैराग्राफ स्ट्रक्चर। अ पैराग्राफ शुड हैव अ लॉजिकल स्ट्रक्चर दैट इज इजी टू पुट इनटू एन आउटलाइन, अ पैराग्राफ शुड हैव अ लॉजिकल स्ट्रक्चर दैट इज इजी टू पुट इनटू एन आउटलाइन। अब जो पैराग्राफ हम लिख रहे हैं तो वो उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर जो उसका है वो लॉजिकल होना चाहिए। अब पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर वो आप लोगों ने देखा होगा, चार या फाइव लाइन में कंप्लीट हो जाता है, और जो स्ट्रक्चर हमने बताया आपका कि उसमें तीन पॉइंट होते हैं, तो वो पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, जिसमें थर्ड पॉइंट अपना पैराग्राफ स्ट्रक्चर का ही है। अ पैराग्राफ शुड हैव अ लॉजिकल स्ट्रक्चर दैट इज इजी टू पुट इनटू एन आउटलाइन। अब जो आप पैराग्राफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, आउटलाइन का मीन्स ये कि उसका जो टॉपिक है वो समझ में आना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कोई लॉजिक निकलना चाहिए। जैसे कि हम ट्री के बारे में बता रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंट चीजें उसमें आनी चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया कि अभी के पैराग्राफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कंक्लूडिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट कंक्लूड द होल पैराग्राफ। अब हमने पैराग्राफ राइटिंग कर ली, टॉपिक सेंटेंस भी दे दिया, स्ट्रक्चर भी दे दिया, सपोर्टिंग डिटेल भी दे दिया, सबसे लास्ट में जो सबसे लास्ट की एक या दो लाइन होती है उसमें पैराग्राफ कंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ कंक्लूड का मतलब ये है, जैसे कि सपोज करो आप वंडर्स ऑफ साइंस के ऐसे में कंक्लूजन में क्या लिखते हैं कि वंडर्स ऑफ साइंस जो ऐसे है साइंस के, क्या उसमें बेनिफिट है, क्या है, आप लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, तो इसी तरह शॉर्ट में करना है, एक या दो लाइन में, ठीक है। जैसे वंडर ऑफ साइंस को चार या पांच लाइन में करते हैं, इसको आपको एक या दो लाइन पैराग्राफ कंक्लूडिंग में ये कि जो उसको कंक्लूड करे, लास्ट में कंक्लूजन निकले, ठीक है। जैसे ट्री के बारे में क्या लिख रहे हैं, वी शुड सेव ट्री, लास्ट में हम इस टाइप की लाइन दे सकते हैं, तो इसे कहते हैं कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूड सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट कंक्लूड द होल पैराग्राफ। कंक्लूडिंग सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड करता है, एक सेंटेंस में कंक्लूड कर देता है, समाप्त करता है एक तरह से, ठीक है। नाउ लेट्स सी वन पैराग्राफ राइटिंग, नेमली पैराग्राफ ऑन कंप्यूटर।
ये बच्चों आता भी है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कंप्यूटर वैसे भी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मैं आपको बता दूं कि 9th to 12th तक ये पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अ पैराग्राफ ऑन कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर के बारे में हम धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल सेंटेंस से पैराग्राफ बनाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। अवर फर्स्ट सेंटेंस इज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसको मैं ऐसे भी आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ कि देखिए इधर देखिए टॉपिक सेंटेंस जो फर्स्ट नंबर का दिया था ना, तो ये हमने इसमें ये दे दिए टॉपिक सेंटेंस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। व्हाट इज कंप्यूटर, टॉपिक सेंटेंस मतलब डेफिनेशन एक तरह से। तो व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। ये देखिए, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स विच आर एडेड टू कंप्यूटर, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। योर पैराग्राफ विल बी सेम, पैराग्राफ आपका इसी से बनेगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सिर्फ देखिए ही नहीं, लिखते भी जाइए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पिक्चराइजेशन से आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, माइंड में भी बैठेगा, और आप इसको साथ साथ में मेमोराइज करते जाइए, याद करते जाइए, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फर्स्ट सेंटेंस अपना फ्रेम हो गया, टॉपिक सेंटेंस अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब व्हाट इज दिस, ये लिखना है आपको, व्हाट इज दिस, आपको अब इसमें दिस इज अ मॉनिटर, ये क्या है कंप्यूटर, दिस इज यहां से लिखना है, दिस इज अ मॉनिटर, इट डिस्प्लेज पिक्चर एंड फाइल्स ऑन स्क्रीन। अब कंप्यूटर क्या है वो तो हमने बता दी, अब हम कर बताएंगे कि ये है क्या एक्चुअली। सो दिस इज अ मॉनिटर, इट डिस्प्लेज पिक्चर एंड फाइल्स ऑन स्क्रीन। लुक एट दिस पिक्चर, कंप्यूटर पिक्चर शो कर रहा है ना, so it displays picture and files on screen. This is a monitor, it displays picture and files on screen. अभी अपना supporting detail चल रहा है बच्चों, topic sentence we have completed, कंप्लीट हो गया। अब उस कंप्यूटर से रिलेटेड जो और भी बातें हैं वो हम आपको आगे वाले सेंटेंसों में सपोर्टिंग डिटेल में बताते जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ मॉनिटर, इट डिस्प्लेज पिक्चर एंड फाइल्स ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट, दिस इज अ प्रिंटर, अब देखिए व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज अ प्रिंटर, इट इज यूज टू टाइप द लेटर। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन ड्राइव, इट इज यूज टू कीप द डाटा सेफ। दिस इज अ पेन ड्राइव, कीप द डाटा सेफ। ये क्या होती है बच्चों, ये पेन ड्राइव होती है, इसमें डाटा सेव किया जाता है, जिसे हम किसी भी मॉनिटर पे जाके, कंप्यूटर पे जाके ओपन कर सकते हैं। सो दिस इज अ पेन ड्राइव, इट इज यूज टू कीप द डाटा सेव। व्हाट इज दिस, दिस इज अ प्रिंटर, इट इज यूज टू प्रिंट द लेटर,
This is a printer. It is used to print the letters, bill, ये देखिए यहाँ पे देख, ये बच्चों ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड लिख लेना आप इसे, ठीक है? दिस इज कीबोर्ड. और ये क्या बताया था हमने, ये पेन ड्राइव बताई, ये पेन ड्राइव है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेन ड्राइव. इट इज यूज्ड टू कीप द डाटा सेफ. एंड दिस इज प्रिंटर. इट इज यूज्ड टू प्रिंट द लेटर, बिल्स. ठीक है, तो ये हो गया अपना कंप्यूटर के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अब आइए ए पैराग्राफ ऑन कंप्यूटर. अब ये देखिए, इन दिस वे वी हैव डेवलप्ड पैराग्राफ ऑन कंप्यूटर. सो व्हाट इज पैराग्राफ ऑन कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय विच वी कैन कैलकुलेट फास्ट, सेव डाटा, सेंड ईमेल, keep record and do not surfing. नोट डाउन करते जाइए. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय विच वी कैन कैलकुलेट फास्ट, सेव डाटा, सेंड ईमेल, कीप रिकॉर्ड सेफ एंड डू नेट सर्फिंग. अगेन अ पैराग्राफ ऑन राइटिंग. Computer is an electronic device by which we can calculate fast, save data, send email, keep record safe and do net surfing. Next, the use of computer is everywhere, at home, at school, at shops, एट होटल्स. कंप्यूटर के आजकल सभी जगह होता है. कहाँ कहाँ होता है? एट होम, एट स्कूल, एट शॉप्स, एट होटल्स. नोट डाउन करते जाइए बच्चों, ये आपको एग्जाम में आएगा तो आपको बिल्कुल ये समझ लीजिए ये याद ही हो गया होगा. आधा तो हो गया होगा. आप दो तीन बार इसको रिवाइज करिए तो बिल्कुल ये इजी है. इसकी लैंग्वेज भी सिंपल है और लेंथी, इसमें वर्ड भी नहीं है. तो यू मे लर्न इट, मेमोराइज इट वेरी इजीली. द यूज ऑफ कंप्यूटर इज एवरीवेयर, एट होम, कहा, एट स्कूल, एट शॉप्स एंड एट होटल्स. अ कंप्यूटर हैज मेनी पार्ट्स एज मॉनिटर, सीपीयू, माउस, एटसेट्रा. अ कंप्यूटर हैज मैनी पार्ट्स एज मॉनिटर, सीपीयू. कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, एटसेट्रा. अ कंप्यूटर हैज मैनी पार्ट्स एज मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, एटसेट्रा. मॉनिटर डिस्प्लेज पिक्चर्स एंड फाइल्स ऑन स्क्रीन. देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने सपोर्टिंग डिटेल में कंप्यूटर के पार्ट्स दे दिए हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. अब अपन आगे वाले सेंटेंस में इन्हीं पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा डिटेल कर देंगे. इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल दे रहे हैं कि इन पार्ट्स का काम, कंप्यूटर के जो पार्ट है इनका क्या काम होता है. ठीक है, तो फर्स्ट हमने ले लिया ये मॉनिटर. देखिए,
monitor displays picture and files on screen. Monitor displays picture and files on screen. Second क्या लिया है? Keyboard. Keyboard helps to type the letters. Keyboard क्या करता है? Picture दिखाई थी ना हमने? Keyboard helps to type the letters. मॉनिटर डिस्प्लेज पिक्चर एंड फाइल. ये देखिए, बैक जाके मैं आपको एक बार मॉनिटर और दिखा देती हूँ. ये देखिए, ये क्या था? मॉनिटर, ठीक है. और ये क्या था? कीबोर्ड. तो यहाँ पे देखिए, ये अपन देख रहे हैं, कीबोर्ड हेल्प्स टू टाइप द लेटर. नाउ थर्ड, माउस हेल्प्स टू ऑपरेट द कंप्यूटर. माउस आपने देखा होगा बच्चों, कंप्यूटर से ही अटैच रहता है. ये देखिए, जो कर्सर घूम रहा है, ये मैं माउस के हेल्प से ही मूव कर रही हूँ. सो माउस हेल्प्स टू ऑपरेट द कंप्यूटर. नाउ कम टू ऑन फोर्थ, प्रिंटर. अब प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू अपन डॉक्यूमेंट, कोई भी कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट निकालना होता है तो अपन प्रिंटर के थ्रू निकालते हैं. सो प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट द लेटर. प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट द लेटर. एंड फिफ्थ इज पेन ड्राइव keeps our file safe. इस तरह से हम जो डॉक्यूमेंट है वो हम प्रिंटर के थ्रू निकाल सकते हैं और पेन ड्राइव में हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं. सो कंप्यूटर हैज मेनी पार्ट्स एज कंप्यूटर मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एटसेट्रा. मॉनिटर डिस्प्लेज पिक्चर एंड फाइल्स ऑन स्क्रीन. कीबोर्ड हेल्प्स टू टाइप द लेटर. माउस हेल्प्स टू ऑपरेट द कंप्यूटर. प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट द लेटर्स. पेन ड्राइव कीप्स अवर फाइल्स सेफ. नेक्स्ट इज कंप्यूटर इज वेरी हेल्पफुल इन अवर डेली लाइफ. अब अपन ये कंक्लूडिंग सेंटेंस बता रहे हैं बच्चों, ठीक है. अपन ने सपोर्टिंग डिटेल वाले जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें थी वो बता दी. अब हम कंप्यूटर का एक कंक्लूजन बता रहे हैं कि कंप्यूटर इज वेरी हेल्पफुल इन अवर डेली लाइफ, ठीक है. कंप्यूटर नोट डाउन करते हैं, कैरी ऑन. कंप्यूटर इज वेरी हेल्पफुल इन अवर डेली लाइफ बिकॉज ऑफ कंप्यूटर द वर्किंग इज क्विक कॉमा सेफ एंड एक्यूरेट. कंप्यूटर के थ्रू जो अपन वर्किंग करते हैं वो जल्दी हो जाती है, जल्दी से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है ना. बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है, क्विक हो जाती है, क्विक सेफ हो जाती है, डाटा इसमें सेफ रहता है, ठीक है ना. अपन उसमें अपना लॉक्स डाल के सेफ कर सकते हैं. एक्यूरेट, एक्यूरेट सही सही होती है. जो भी अपन कंप्यूटर के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं वो सही होती है. हम यदि खुद का खुद से करेंगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन होती है उनमें मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना. तो कंप्यूटर इज वेरी हेल्पफुल इन अवर डेली लाइफ बिकॉज ऑफ कंप्यूटर द वर्किंग इज क्विक सेफ एंड एक्यूरेट. कंप्यूटर हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ मैन. कंप्यूटर हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ मैन.
Computer is very helpful in our daily life. Because of computer, the working is quick, safe, and accurate. Computer has changed the life of man. Computer has changed the life of man. Once again we are repeating it. So आज हमने discuss किया बच्चों paragraph writing पर, ठीक है? अपना आज का topic था paragraph writing. ये आपके examination में 5 marks का पूछा जाता है. और मैं आपको बता दूं 9 to 12 तक पैराग्राफ राइटिंग पूछा जाता है, जिसमें आपको 5 या 6 लाइंस लिखनी होती हैं, जो भी जिस पर भी राइट अप आता है उस पर. तो पैराग्राफ राइटिंग पर डिस्कस करने के लिए हमने देखा कि व्हाट इज पैराग्राफ. अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस दैट डेवलप्स एन आइडिया. द सेंटेंस सपोर्ट and give example of the main idea. Paragraph structure के part क्या क्या होते हैं, तो first is topic sentence रहता है, second supporting detail रहता है, third is concluding sentence. First is topic sentence, second is supporting detail, and third is concluding sentence. First is topic sentence, third is supporting detail, second is supporting detail, and the third is concluding sentence. Now let's see first topic sentence. Or topic sentence, the sentence that tells the main idea of the paragraph. The topic sentence should contain only one main idea. It should be specific. Third, the topic sentence is often found at the beginning of the paragraph, but it can be in other place too. Supporting detail. Come to on supporting detail. The supporting detail is the detail of the paragraph. The supporting detail is the detail of the paragraph. The supporting detail should be logical and to the point. Supporting detail क्या होना चाहिए? Logical होना चाहिए और to the point होना चाहिए. और जो टॉपिक सेंटेंस, मतलब जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, उसी से रिलेटेड जो डिटेल होती है उसे हम सपोर्टिंग डिटेल कहते हैं, ठीक है ना. अब आइए पैराग्राफ स्ट्रक्चर पे. अ पैराग्राफ शुड हैव अ लॉजिकल स्ट्रक्चर दैट इज इजी टू पुट इनटू एन आउटलाइन. मतलब पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें स्मॉल स्मॉल सेंटेंस की इंपॉर्टेंट चीजें ही, इम्पोर्टेंट सेंटेंस ही लेने चाहिए. कंक्लूडिंग सेंटेंस, अब इसमें लास्ट में एक या दो सेंटेंस, जैसे हमने अभी कंप्यूटर के बारे में आपको अच्छे से समझाया कि कंप्यूटर क्या है, तो हमने लास्ट में 2-3 लाइनें दी थी ना बच्चों, आपको ध्यान होगा कि कंप्यूटर इज वेरी हेल्पफुल, वेरी यूजफुल. तो इस टाइप के जो सेंटेंस है वो हम कंक्लूडिंग सेंटेंस में लेंगे, ठीक है. कंक्लूडिंग सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट कंक्लूड द होल पैराग्राफ, मतलब पूरे पैराग्राफ कंक्लूड कर देगा. और इस सेंटेंस में हम एक तरह से जिस चीज के बारे में, जिस भी टॉपिक के बारे में हम पैराग्राफ लिख रहे हैं उसका सार लेते हैं, एक तरह से उसका कंक्लूड कर देते हैं, उसको एक दो सेंटेंस में लिख के लास्ट में उसको एंड कर देते हैं, ठीक. अब हमने देखा कि अ पैराग्राफ ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे पैराग्राफ पे डिस्कस किया.
जिसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक सेंटेंस था कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ये देखिए सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इससे जुड़ी हुई है. तो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. व्हाट इज दिस? दिस इज अ मॉनिटर. लुक एट दिस, ये क्या है? मॉनिटर है. इट डिस्प्लेज पिक्चर एंड फाइल्स ऑन स्क्रीन. इट डिस्प्लेज पिक्चर एंड फाइल्स ऑन स्क्रीन. व्हाट इज दिस? दिस इज ए प्रिंटर. इट इज यूज्ड टू टाइप द लेटर. ये बच्चों कीबोर्ड है ना. दिस इज ए कीबोर्ड. इट इज यूज्ड टू टाइप द लेटर. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज पेन ड्राइव. ये क्या है? पेन ड्राइव आप सभी बच्चों ने देखी होगी. ये दिस इज अ पेन ड्राइव. इट इज यूज टू कीप डाटा सेफ. ठीक है, इसमें अपन डाटा सेव करते हैं. पेन ड्राइव की अपनी कैपेसिटी होती है, आप लोगों ने देखी होगी. अब देखिए व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रिंटर. इट इज यूज टू प्रिंट द लेटर्स. देखिए यहाँ से पेपर को डाला जाता है और लेटर प्रिंट होके आ जाता है. ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर होते हैं जो कंप्यूटर से अटैच किए जाते हैं. नाउ लेट्स सी अ पैराग्राफ ऑन कंप्यूटर. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टॉपिक सेंटेंस में ये बता रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर. सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस by which we can calculate fast, save the, send email, keep record safe and do net suffering. जिनका incomplete है वो complete कर लें. Computer is an electronic device by which we can calculate fast, save data, send email and keep record safe, do net suffering. That is, use of computer is everywhere, at home, at school, at shops, at hotels. A computer has many parts as monitor, CPU, mouse, keyboard, printer, etc. अब इन्हीं को हमने डिटेल कर दिया. जैसे मॉनिटर के बारे में डिटेल ले रहे हैं. मॉनिटर डिस्प्लेज पिक्चर एंड फाइल्स on screen. Keyboard helps to type the letters. Third, mouse helps to operate the computer. Next, printer is used to print the letters. Next, pen drive keeps our file safe. Pen drive keeps our file safe. Pen drive keeps our file safe. Computer is very helpful in our daily life. Computer is very helpful in our daily life. Because of computer, the working is quick, safe and great. Computer has changed the life of men. Computer is very helpful in our daily life. Because of computer, the working is quick, safe and accurate.
computer has changed the life of man. So bachcho, in this way today we have discussed on paragraph writing, in which today we have discussed paragraph on computer. ठीक है, मेरे ख्याल है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि पैराग्राफ राइटिंग आपको कैसे करनी है एग्जामिनेशन में. ठीक है, ये हमने एक टॉपिक लेके आपको समझाया कंप्यूटर वाला. कंप्यूटर पे हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है. तो इसी तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 पैराग्राफ राइटिंग आप कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए. और लिखना हमने आपको बता ही दिया है कि कैसे पैराग्राफ राइटिंग में हम सपोर्टिंग डिटेल देते हैं, टॉपिक लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस लेते हैं, फिर सपोर्टिंग डिटेल लेते हैं. सपोर्टिंग डिटेल के बाद में हम फिर उसके उससे रिलेटेड पैराग्राफ स्ट्रक्चर लेते हैं कि पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. पैराग्राफ स्ट्रक्चर के बाद में लास्ट, इन लास्ट टू एंड थ्री लाइन वी हैव टू कंक्लूड द सेंटेंस. लास्ट के दो या तीन लाइन्स में हम सेंटेंस को कंक्लूड करते हैं. कंक्लूड करने के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस लेते हैं जिसमें बताया जाता है कि उसका कंक्लूजन क्या है. ठीक है, एक तरह से उसको उसका कंक्लूजन उसमें बताना पड़ता है. अब बताइए बच्चों, इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू मे आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं. आई थिंक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है. आपकी दो बुक्स हैं, टेस्ट बुक और वर्क बुक. तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो वर्क बुक है आपको बच्चों, उसमें पैराग्राफ राइटिंग की डिटेल दी हुई है. आपको कुछ एक पैराग्राफ राइटिंग दी है तो आप उसी में से टॉपिक लेके पैराग्राफ राइटिंग करना सीखिए. क्योंकि जो वर्क में पैराग्राफ राइटिंग में से एग्जामिनेशन में पूछी जाती है. और मैं एक बात और बता दूं आपको, जो लास्ट के पेपर है 2 और 3 ईयर्स के जो पेपर हैं, आप उसमें उठा के देखिए, उसमें जो पैराग्राफ राइटिंग दी हुई है उन्हीं से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए. और वर्क जितना अच्छे से हो आप, क्योंकि एग्जामिनेशन में अब दो तीन महीने ही रह गए हैं, तो बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए. और मैं आपको बता दूं कि वर्ड्स ऑफ फ्रांसिस बेकन रीडिंग Reading makes a full man, conference of a ready man, and writing makes an exact man. ठीक है, तो इन दिस वे यदि आपको राइटिंग अच्छी नहीं होगी, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी, तो यू कैन कांट अचीव गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन. तो वट एवर यू आर राइटिंग, जो भी आप लिख रहे हैं, हैंड राइटिंग शुड बी वेरी मच नीट एंड क्लीन. पैराग्राफ लिखते समय आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी आप लिख रहे हैं कर्सिव राइटिंग में लिखिए, मिला के लिखिए. ठीक है, और काटा पीटी तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मैं बता दूं आपको इन्हीं चीजों के मार्क्स काटे जाते हैं एग्जामिनेशन में. ठीक है, तो वट एवर यू आर राइटिंग इट शुड बी वेरी मच नीट एंड क्लीन. ट्राई टू राइट नीटली, कर्सिव में लिखिए, अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, मिला के लिखिए. कैपिटल लेटर बीच बीच में मत लिखिए. कुछ बच्चे मिस्टेक्स करते हैं इस टाइप की कि दे राइट कैपिटल लेटर इन बिटवीन द सेंटेंस विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एंड कैपिटल लेटर ओनली, कैपिटल लेटर इज रिटन ओनली बिगिनिंग इन द सेंटेंस. सेंटेंस के बिगिन में लिखा जाता है. ठीक है, और पैराग्राफ में एक बात और बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट टाइटल ऑफ द पैराग्राफ्स. जो पैराग्राफ का टाइटल है वो आपको सबसे ऊपर लिख देना है, उसके बाद में ही पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट करनी है. सो
आप ये तीन चार बातों को फॉलो करेंगे सो यू मे अचीव वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, जो भी आप एग्जाम में लिख रहे हैं नीट एंड क्लीन लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए. ठीक है, और स्पेलिंग मिस्टेक्स तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल एक एक. इसीलिए जो भी लिख रहे हैं आप अभी से सोच लीजिए, जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी याद करें उसे लिख लिख के याद कीजिए, बिकॉज यू कैन नॉट लर्न, यू कैन नॉट मेमोराइज इंग्लिश लैंग्वेज विदाउट राइटिंग. आप ये सोचते हैं कि ओरली इंग्लिश को याद कर लो तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट कैसे, जो वोकैबुलरी को लेके कॉन्सेप्ट है, वो आपके लिखने से ही होंगी. वो ड्रॉबैक्स, वो जो कमियां हैं आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स की, वो जितना आप लिखेंगे अभी से राइटिंग वर्क करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूर होते जाएंगी. एक एक वर्ड को आप चार चार पांच पांच बार लिखते हैं तो डेफिनेटली दिस प्रॉब्लम विल बी रिड्यूस, कम हो जाएगी. आप लोग सोचते हैं कि इस चीज पे कुछ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो करने दो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही चीजें एग्जामिनेशन में देखी जाती है. जहां बच्चे ने स्पेलिंग मिस्टेक की वहां ये समझ में आ जाता है इस बच्चे को डिटेल नॉलेज नहीं है, ये बच्चा नाइन्थ क्लास में आ चुका है, हायर क्लास में आ गया, फिर भी इसको ये इस टाइप की मिस्टेक करता है. ठीक है, तो इसका मतलब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बच्चा वीक है, तो उसके मार्क्स काटे जाते हैं. और स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स बिल्कुल कटते हैं. ठीक है, यदि आप एक क्वेश्चन के आंसर में एक या दो स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, दो तीन स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, तो मान के चलिए आपको उसमें हाफ मार्क्स प्रोवाइड होंगे. ठीक है ना, तो आप सोचेंगे कि एग्जामिनेशन में मार्क्स कैसे रिड्यूस हो गए, कम कैसे हो गए, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स के थ्रू ही कम हो जाते हैं. ठीक है, तो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है आप उनपे बिल्कुल अपना अटेंशन रखिए और अपनी एग्जामिनेशन की पढ़ाई करते रहिए. आज जो हमने आपको ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको माइंड में रखिए, मेमोराइज कीजिए और पैराग्राफ राइटिंग को तीन तीन चार चार बार लिख लिख के देखते रहिए आप लोग. इन दिस वे योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर. ठीक है, और बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, रिकॉर्डिंग पढ़ते जाइए और नवंबर दिसंबर तक, नवंबर तो चल ही रहा है, दिसंबर तक बिल्कुल ट्राई कीजिए कि आपकी पूरी इंग्लिश के चैप्टर खत्म हो जाए, इंग्लिश का सिलेबस रिवीजन कीजिए. ठीक है, और फरवरी में आपके एग्जाम होंगे. ठीक है ना, नेक्स्ट सर आपके आ गए हैं, सर संदीप तोमर सर इज टेकिंग नाउ टेकिंग योर क्लास. ओके, थैंक यू.